चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं JTN इंडस्ट्रीज कंपनी के बारे में, यहाँ पर ये कंपनी क्या काम करती है, बिजनेस क्या है और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से निवेश करना चाहिए या नहीं, तो उन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सो यहाँ पर आप वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर वीडियो चालू करने से पहले यहाँ पर आपको मैं जो है पहले ही बता देता हूँ कि यहाँ पर JTN इंडस्ट्रीज जो है यहाँ पर एक माइक्रो कैप स्टॉक है। तो यहाँ पर जिसका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा हो उन लोगों के लिए मेरे हिसाब से जो ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है एनालिसिस के लिए एज वेल एज इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम JTN इंडस्ट्रीज कंपनी का जो बिजनेस ओवरव्यू है वो यहाँ पर करेंगे। कंपनी है यहाँ पर कंपनी करंटली जिस तरह से कैश फ्लोज वर्कआउट हो रहे हैं उसके ऊपर डिस्कशन रहेगा कि यहाँ पर कंपनी कैश फ्लोज जो है किस तरह से वर्कआउट ऑपरेटिंग हो गया, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जो है यहाँ पर कंपनी के अंदर किस तरह से जो है यहाँ पर हमें वर्कआउट होते हुए देखने को मिल रहा है उसके ऊपर जो है यहाँ पर फोकस रहेगा। कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पर जिस तरह से मार्केट में ट्रेड कर रहा है अकॉर्डिंग टू दैट सेंटिमेंट ऑल्सो यहाँ पर जो है निवेश जो है किया जा सकता है नहीं। प्रमोटर होल्डिंग पिछले कुछ क्वार्टर से यहाँ पर हमें किस तरह सेंटीमेंट जो है देखने को मिल रहा है प्रमोटर होल्डिंग के अंदर, FII/DII का निवेश है या फिर नहीं है और क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी किस तरह के यहाँ पर नतीजे आ रहे हैं उसके ऊपर फोकस रहेगा। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर कंपनी के बारे में बताऊं तो यहाँ पर ये कंपनी जो है 1962 के अंदर जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी। यहाँ पर इस कंपनी का मेन जो कारोबार है वो यहाँ पर है मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन यार्न जो है वो ये कंपनी करती है और वहाँ से इस कंपनी का मेन जो कारोबार आते हुए देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पर एनालिसिस करने से पहले एक यहाँ पर एक छोटा सा आपको समराइजेशन भी दे देता हूँ कि 1962 के अंदर कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी और यहाँ पर अभी भी जो है इतने साल होने के बावजूद भी यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है सिर्फ 63.9 करोड़ का। तो यहाँ पर अगर हम ग्रोथ परस्पेक्टिव के हिसाब से भी देखना चाहें तो यहाँ पर ग्रोथ के नाम पर यहाँ पर कोई बड़ा यहाँ पर कोई सेंटिमेंट जो है सेंटिमेंटल चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, ये आपको पहले ही बता दूँ। करेंटली 36.4 पे शेयर ट्रेड कर रहा है, बुक वैल्यू काफ़ी तगड़ी है 54.8 की, 89 का हाई प्राइस 23.8 का यहाँ पर हमें लो प्राइस देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री का पी यहाँ पर जो है 11 का देखने को मिल रहा है 11.6 का, अगर उसके मुकाबले देखते हैं तो स्टॉक का पी काफ़ी सस्ता है 4.11 का और सस्ता होने का रीज़न यहाँ पर आपको पहले से पता चल गया कि कंपनी जो हिस्टोरिकल वैल्यू है एज वेल एज यहाँ पर जो सेंटिमेंटल बेसिस की सबसे कंपनी जिससे वर्कआउट कर रही है वो जो है थोड़ा बहुत दिक्कत दे रहा है। कंपनी का ROE 17.6 करोड़ का है 17.6% का है और कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19.8% का जो है देखने को मिल रहा है। डेट यहाँ पर जो है 31.4 करोड़ का जो है देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर उसके हिसाब से भी देखते हैं तो डेट के हिसाब से कंपनी का मार्केट कैप जो है काफ़ी ज़्यादा जो सिमुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से थोड़ा दिक्कत दे रहा है, बिकॉज यहाँ पर कंपनी डेट के ऊपर भी अगर कंपनी सालाना 10% भी ब्याज बढ़ती है तो यहाँ पर कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है एक्सपेंडेड समझ लीजिए यहाँ पर तो 3 करोड़ जो है डायरेक्टली कंपनी का जो है इंटरेस्ट पेमेंट के अंदर ही जा रहा है। कंपनी का यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देख लेते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं सेंटिमेंटल बिजनेस के जून 2022 के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो कि 169 करोड़ की कंपनी यहाँ पर रेवेन्यू किए थे। उसके ऊपर यहाँ पर कंपनी का जो है मोटा मोटी यहाँ पर जो है कंपनी ने 19.71 करोड़ की एक तगड़ी जो है यहाँ पर सॉरी 16.74 करोड़ की एक तगड़ी जो है बॉटम लाइन देखने मिली थी और उसके अंदर भी ये जो बॉटम लाइन बनी थी वो यहाँ पर अदर इनकम से नहीं बनी है। तो ये जो चीज़ है वो भी आपको जो है यहाँ पर डेफिनेटली पता होनी चाहिए। यहाँ पर जो है सेंटिमेंटल बेसिस के जो कंपनी प्रोडक्ट्स हैं उसके हिसाब से जो है हमें ग्रोथ देखने को मिली है, बट पिछले 3 क्वार्टर से यहाँ पर कोई बड़ा जो है यहाँ पर सेंटिमेंटल चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पर जो है आई थिंक यहाँ पर जो साइकिल है वो यहाँ पर चेंज फिर से जो है होते हुए देखने मिल चुकी है। जो यहाँ पर मार्केट को जो चीज़ पसंद है वो ये कि ग्रोथ जो है यहाँ पर समझ लीजिए हर क्वार्टर में या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस यहाँ से 10-15% की भी अगर यहाँ पर ग्रोथ जो है वो अगर यहाँ पर कंटिन्यूस बेस पर देखने मिलती है तो वो ज़्यादा पसंद आती है, बट यहाँ पर कभी 16 करोड़ का प्रॉफिट, कभी 2 करोड़ का प्रॉफिट, कभी एकदम से जो है लॉस कंपनी को आ जाता है, ये जो चीज़ है वो मार्केट को नहीं पसंद है। तो ये जो चीज़ है वो यहाँ पर हमें जो कंपनी देखने को मिल रही है। सो दैट इज़ द नेगेटिव थिंग जो कि यहाँ पर हमें जो है फॉलोअप होते हुए देखने को मिली है। मार्च क्वार्टर के अंदर यहाँ पर कंपनी का जो घाटा है वो 1,32,00,000 का जो है यहाँ पर हमें एट द एंड देखने को मिल रहा है। लेट्स सी कि यहाँ पर हमें जो है जून क्वार्टर के जो नंबर्स हैं उसके अंदर जो यहाँ पर हमें किस तरह का रुझान जो है देखने को मिलता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर फोकस करें तो मेजोरिटी चंक जो यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स के पास जो यहाँ पर हमें एस्टैब्लिश होते हुए देखने मिल रहा है। 74.33% का जहाँ पर निवेश है वो यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स द्वारा जो है किया गया हुआ है एंड अदर देन दैट 25.66% का जो निवेश है वो यहाँ पर हमें रिटेल के अंदर देखने को मिल रहा है। अदर देन दैट अगर हम यहाँ पर कंपनी के कैश फ्लोज के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर 19 करोड़ का जो आंकड़ा देखने को मिल रहा है। मार्च 2022 के अंदर 17 करोड़ का आंकड़ा, मार्च 2021 के अंदर 35 करोड़ का आंकड़ा, तो ये जो चीज़ है वो पॉजिटिव
जरूर देखने को मिल रही है, बट यहाँ पर कैश फ्लो में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए देखते हैं तो यहाँ पर कोई इन्वेस्टिंग फॉर द टाइमिंग देखने को नहीं मिल रहा है। अदर देन दैट अगर हम यहाँ पर कोई और चीज़ के ऊपर ही फोकस करें तो वो ये कि कंपनी जो भी यहाँ पर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ उसके लिए यहाँ पर हमें -67 करोड़ का जो नंबर है वो देखने को मिल रहा है। दैट सेज यहाँ पर कंपनी जो है डेफिनेट अपने जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हो गए हैं वो तो यहाँ पर जो है कंपनी फॉलोअप्स कर ही रही है, बट यहाँ पर अदर देन दैट कोई और भी जो फैक्टर्स होते हैं मार्केट के अंदर जो यहाँ पर लिंक्ड होते हैं वो यहाँ पर हमें जो है फुलफिल होते हुए देखने को ज़रूर मिल रहे हैं। 5 साल का हाई प्राइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4.94% के लो से 4.94 रुपीज़ के लो से 89 रुपीज़ का हाई बनाया 36.42 पर। यहाँ पर शेयर जो अपर सर्किट पर यहाँ पर आप जो है लॉक होते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर इस तरह की भी सिचुएशन पर एज अ इन्वेस्टर यहाँ पर हमें जो है क्या करना चाहिए, बिकॉज वी आर द रिटेल इन्वेस्टर, तो यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, यहाँ पर कोई भी डिसीजन डेफिनेटली आपका है। तो यहाँ पर कैपिटल डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हाई हो तो ही यहाँ पर हमें जो है एंट्री लेनी चाहिए अगर आप पहले से इस कंपनी में निवेशित हो। तो यहाँ पर आपको जो है रीजंस और फैक्टर्स जो यहाँ पर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि शेयर प्राइस को अंदर जो है अप्रिसिएशन जो है काफ़ी आसानी से देखने को मिल सकता है, बिकॉज मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा कम है। 5-10 करोड़ भी अगर पंप की जाए तो यहाँ पर जो है स्लो और बेसिस के हिसाब से जो है अपर सर्किट काफ़ी आसानी से जो है देखने को मिलते हैं, बट फॉर अ टाइमिंग फंडामेंटल बेसिस के हिसाब से ये जो स्टॉक है वो मुझे अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन और जो मुझे लग रहा है वो यहाँ पर हम आपको जो है एज अ इन्वेस्टर एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी अगर आप सोचना चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कोई जो पॉजिटिव चीज़ जो है यहाँ पर हमें जो है देखने को नहीं मिल रही, मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर एकदम से फ्लो आना स्टार्ट होता है इस कंपनी ने तो यहाँ पर 10% 20% 30% 40% तक मिलना यहाँ पर जो है जायज़ है, बट ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आई डोंट थिंक यहाँ पर ये हमें जो है ये कंपनी के अंदर कोई बड़ा जो है और पैसा देखने को मिल सकता है। दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली थिंक। सो होप करता हूँ कि आपको GTN इंडस्ट्रीज कंपनी का जो यहाँ पर हमने एनालिसिस किया वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और माय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।